हेलो एवरीवन आज के वीडियो में बात करेंगे कलैंडा मैसिन फॉसफेट जेल के बारे में तो जैसा कि अभी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कलैंडा मैसिन फॉसफेट जेल तो इसके यूजेज क्या होते हैं डोज यानी कितनी मात्रा में इसको उपयोग करना साइड इफेक्ट इन सभी चीज़ों के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे इस वीडियो के माध्यम से तो दोस्तों कलैंडा मैसिन फॉस्फेट जो जेल जो है वो एक प्रकार की एंटीबायोटिक होती है जो कि बैक्टीरिया को ग्रोथ जो होती है उसको इनहिबिट करके यानी साफ शब्दों में कहे तो बैक्टीरिया के ग्रोथ को रोककर अपना एक्शन करती है यानी कि अपना काम पूरा करती है अब हम इसकी यूज की बात करते हैं कि कैलैंडम माइसिन फॉस्फेट जेल का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है तो इसका उपयोग किया जाता है एक्ने को ट्रीट करने के लिए एक्ने को ठीक करने के लिए किया जाता है अब जो पिंपल्स है यानी एक्नी पिंपल्स भी बोल सकते हैं तो पिंपल्स है फेस पर हो सकता है पिंपल्स अगर फेस पर है तो वहां भी इस जेल का उपयोग किया जाता है या फिर चेस्ट पर हो बैक साइड में हो तो इन सभी जगहों पे आप कलेंडा फॉस्फेट जेल का उपयोग करके एक्नी को ठीक कर सकते हैं अब हम एक बात करते हैं यहाँ की पिंपल्स होता क्यों है तो देखिए मेल और फीमेल्स दोनों के अंदर पिंपल्स होता है अब मेल के अंदर क्या होता है ना एंड्रोजन लेवल जो होती है उसमें चेंजेज आ जाती है यानी कि एंड्रोजन लेवल जो होती है वो एक प्रकार के हारमोन होती है तो इस हारमोन में बढ़ोतरी आ जाती है जिससे क्या होता है ना इम्यूनिटी सिस्टम जो होती है वो सप्रेस हो जाता है तो इसलिए पिंपल्स जल्दी ही दिखने को मिल जाता है तो ध्यान से देखिएगा मैं दोबारा इसे बैंड अप कर देती हूँ पिंपल्स जो है मेल और फीमेल दोनों में होता है तो मेल में पहले आ, मैं बता रही हूँ कि पिंपल्स क्यों होता है तो मेल में जो एंड्रोजन लेवल होता है वो ना बढ़ जाती है जिससे इम्यूनिटी सिस्टम जो होती है सप्रेस हो जाता है यानी कि कम हो जाता है तो ऐसे में अगर इम्यूनिटी कम हो जाती है आ, कम हो जाएगी तो हमारे चेहरे पर जो बैक्टीरिया ऑलरेडी प्रजेंट है पहले से जो उपस्थित है हमारे चेहरे पर जो भी बैक्टीरिया या फिर जहाँ पिम्पल्स हो रखी है वहाँ जो कि पायोजेनिक नेचर का होता है यानी कि पस फॉर्मेशन में होता है जिसे आप बैक्टीरिया को एस्टेफिलो के भी नाम से जानते तो वो पिंपल्स बनाना शुरू कर देगा इस प्रकार से मेल में पिंपल्स एंड्रोजन हार्मोन के बैलेंस बिगड़ने से होता है तो जैसा कि मैंने पहले ही बता चुकी हूँ कि एंड्रोजन जो है वो हार्मोन है अब हम फीमेल्स की बात करते हैं कि फीमेल्स में पिंपल्स क्यों होता है तो फीमेल्स में भी एंड्रोजन हार्मोन्स होता है और मेल्स में भी होता है तो होता है क्या है जो कि फीमेल्स में एंड्रोजन हार्मोन लेवल का बैलेंस बिगड़ने से पिंपल होता है लेकिन यहाँ पर एक चीज़ है कि फीमेल्स में मेल की अपेक्षा कम होता है तो इसका कारण यह है कि फीमेल्स में उपस्थित तो एस्ट्रोजन हार्मोन जो होता है वो क्या करता है ना प्रोटेक्टिंग हार्मोन की तरह काम करता है तो फीमेल्स में ये हार्मोन पैंतालीस से पचास प्रतिशत प्रोटेक्ट करता है तो इसलिए फीमेल्स को मेल की अपेक्षा कम पिंपल्स होता है ऐसे नहीं कि फीमेल में नहीं होता है ये मैं नहीं कर रही हूँ यहाँ पे मेल की अपेक्षा फीमेल में कम पिंपल्स होता है उसका रीजन यह है कि एस्ट्रोजन हार्मोन फीमेल में उपस्थित होता है जो प्रोटेक्टिंग हार्मोन की तरह काम करता है आई होप ये छोटी सी इंफॉर्मेशन आप लोगों को समझ में आई होगी ठीक है दोस्तों हमने यहाँ तक समझ लिया तो अब हम बात करते हैं कलेंडा के साइड इफेक्ट के बारे में कलैंडा मैसिन जो फॉस्फेट जेल है उससे क्या क्या नुकसान हो सकता है दुष्प्रभाव हो सकता है जिसके बारे में हम बात करेंगे तो देखिए अगर आपके फेस पर पिंपल्स निकले हैं और आप कलैंडा मैसिन जेल का उपयोग कर लिया है और वहाँ पर बर्निंग इरिटेशन इचिंग रेडनेस स्किन रेसेस यानी कि फेस पर अगर कलैंडा मैसिन को अप्लाई करने के बाद जलन सा मतलब खुजली टाइप से हो रही है और रेड रेड हो गया है एलर्जी टाइप से हो गया है तो तुरंत ही आप कैलैंडामैसिन फॉस्फेट जेल का उपयोग करना बंद कर दें थोड़ा सा हो रहा है हल्की-फुल्की और कुछ सेकंड के बाद अपने आप ठीक हो जाता है तो कोई टेंशन की बात नहीं है अगर ज्यादा देर तक ये सारे साइड इफेक्ट्स जो हैं वो बने रहते हैं तो आप डॉक्टर से मिलिए और तुरंत ही कैलैंडामैसिन फॉस्फेट जेल का उपयोग करना छोड़ दें यहां तक हमने देख लिया अब देखिए कैलैंडामैसिन का उपयोग कब करना है तो दोस्तों इसका उपयोग आप दिन में दो बार कर सकते हैं दिन में क्या आप फेस पर हुए पिंपल्स के लिए कर रहे हैं तो सबसे पहले अपने हाथों को अच्छे से वॉश करना है और साथ ही फेस को नॉर्मल पानी से वॉश करना है फिर सूखे और स्वच्छ टॉवल से पोंछकर कर की थोड़ी मात्रा लेकर पिंपल्स वाले स्थान पर बीस से तीस सेकेंड घुमा वुमा कर लगाना है इससे आपको क्या होगा ना बेटर रिजल्ट देखने को मिलेगा तो दोस्तों आज की वीडियो जो यहीं तक है अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें थैंक यू